हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आप देख रहे हो फूड वेंचर फोक्स। तो आज हम बनाएंगे चिकन टिक्का बिरयानी। ये बिरयानी बहुत ही डिलिशियस और टेस्टी बनने वाली है। और इस बिरयानी में आप देख सकते हो कि चावल कितने खिले खिले बने हैं। तो अगर आप ये सेम रेसिपी फॉलो करोगे ना, तो आपकी भी चिकन बिरयानी ऐसे ही खिले खिले राइस से बनेगी। और इस बिरयानी को बनाते समय मैं आपसे कुछ यूज़फुल टिप्स शेयर करने वाली हूँ। तो इस चिकन टिक्का बिरयानी का पूरा वीडियो ज़रूर देखिएगा। चलो तो अब चिकन टिक्का बिरयानी बनाने की शुरुआत करते हैं। और हाँ, मैंने पहले भी बिरयानी की रेसिपी शेयर की है, तो आप प्लेलिस्ट से देख सकते हो। तो यहाँ पे मैंने 700 ग्राम चिकन लिया है और चिकन को मैंने अच्छे से धो के उसमें गैशेस लगाए हैं। आप ये गैशेस देख सकते हो। अब हम इसमें स्वाद अनुसार नमक डालेंगे। यहाँ पे मैं एक नींबू का रस डालने वाली हूँ। अब इसमें जाएगा 2 चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर। ये कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर ज़्यादा तीखा नहीं रहता है, इसलिए मैं यहाँ पर 2 चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर डाल रही हूँ, लेकिन आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग इसे एडजस्ट कर सकते हो। अब हम डालेंगे 2 चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट। अब इन मसालों से हमें इस चिकन को अच्छे से मसाज करना है। आप देख सकते हो ये जो गैशेस मैंने लगाए थे, ये जो कट्स लगाए थे, इनमें अंदर तक मसाला जाना चाहिए। अब हम इसे मैरिनेट करने के लिए रख देंगे। तो मैंने इसे 6 घंटे के लिए मैरिनेट करने के लिए रखा था। किसी भी बिरयानी में ना बरिस्ता बहुत ही इम्पॉर्टेंट होता है, और बरिस्ता के बिना बिरयानी बहुत ही अधूरी होती है। तो इसलिए मैंने यहाँ पे घर में ही बरिस्ता बनाया है। और बरिस्ता कैसे बनाते हैं ये अगर आपको जानना है, तो आप मेरे चैनल फूड वेंचर फोक्स पे जाकर भगत ताराचंद चेक कर सकते हो। मैंने एक रेसिपी ऑलरेडी बना के अपलोड की है, प्लेलिस्ट में जाके आप वो रेसिपी फाइंड कर सकते हो। चिकन का एक मैरिनेट बना के हमने ऑलरेडी रख दिया है। अब ये चिकन का सेकेंड मैरिनेट है। तो यहाँ पे मैंने लिया है 1 टीस्पून कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर, 2 टीस्पून चिकन तंदूरी मसाला, 1 टीस्पून चाट मसाला। अगर चाट मसाला ना हो तो आप आमचूर पाउडर भी ले सकते हो। 1 टीस्पून कोरिएंडर पाउडर यानी धनिया पाउडर, 1 टीस्पून भुना जीरा पाउडर और 1 टीस्पून गरम मसाला पाउडर। अब यहाँ पे मैंने एक थाली ली है और इसमें तेल डाला है तकरीबन 2 बड़े चम्मच। अब ये सारे मसाले हम इसमें ऐड करेंगे और इसे अच्छे से मिक्स करेंगे। यहाँ पे मैंने 1 चम्मच कसूरी मेथी ली है और इसे अच्छे से क्रश करके डालेंगे। अब इसमें जाएगा 1/2 चम्मच काला नमक और 1/4 टीस्पून इलायची पाउडर। अब डालेंगे हम थोड़ा सा फूड कलर, आप फूड कलर अवॉइड भी कर सकते हो, 2 टीस्पून कॉर्नफ्लावर। इसके बाद हम इसमें डालेंगे 1 अंडा। अब इसमें हम हंग कर्ड डालेंगे और अच्छे से मिक्स करेंगे। इस मैरिनेट को अच्छे से मिक्स करने के बाद हम इसे चिकन पे अच्छे से लगा देंगे। चिकन को जितना मसाला चाहिए उतना आप लगा दीजिए। और उसके बाद थोड़ा सा मैरिनेट जो बच जाएगा उसे आप यहाँ पे देख सकते हो थोड़ा सा अलग से रख दीजिएगा, क्योंकि हम इस मैरिनेट को ग्रेवी में यूज़ करेंगे, चिकन की ग्रेवी में। अब यहाँ पे आप देख सकते हो मैंने मिर्च, धनिया, पुदीना और नींबू अलग से काट के रख दिया है। और अब आती है चिकन की बारी। तो जितने भी चिकन लवर्स हैं, मुझे आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा इस वीडियो के एंड होते ही कि आपको ये चिकन टिक्का बिरयानी कैसी लगी। तो आप जैसे कि देख सकते हो, ये मैंने चिकन के पीसेस जो हैं मैरिनेट करने के बाद इसे अच्छे से डीप फ्राई कर लिया है। और कलर आप देख सकते हो कितना अच्छा लाल कलर आया है इस चिकन पर। तो आप भी इसे ऐसे ही डीप फ्राई करके अलग से रख दीजिएगा।
अब चिकन हमारा रेडी है और अब हम बनाएंगे चिकन टिक्का बिरयानी की ग्रेवी। तो ग्रेवी के लिए मैंने यहाँ पे 12 से 15 साबुत काली मिर्च ली है, 2 तेज पत्ते, 1 बड़ा चम्मच शाही जीरा, 1 बड़ी इलायची, 2 दालचीनी के टुकड़े अराउंड 1 इंच के, 2 हरी इलायची, आधा टुकड़ा मेस यानी के जावित्री। अब मैंने यहाँ पर एक बड़े से बर्तन में 2 बड़े चम्मच तेल लिया है। अब इन सारे मसालों को हमें इस तेल में डाल के उसे अच्छे से भूनना है। एक हरी मिर्च मैं डाल रही हूँ यहाँ पर। मसालों को भूनते समय जैसे ही आपको मसालों की अच्छी सी खुशबू आने लग जाएगी तब आप प्याज डाल दीजिए। यहाँ पे मैंने बारीक कट किए हुए 4 प्याज डाले हैं। अब इस प्याज को हमें अच्छे से भूनना है जब तक कि ये हल्के से गोल्डन ब्राउन ना हो जाए। जैसे ही आप देखोगे कि कलर थोड़ा सा चेंज हुआ है, थोड़ा सा हल्का गोल्डन ब्राउन कलर आ गया है, तब आप इसमें अदरक और लहसुन का पेस्ट डाल दीजिए। यहाँ पे मैंने 2 चम्मच अदरक और लहसुन का पेस्ट डाला है। अब मैं इसमें डालूंगी आधा चम्मच हल्दी पाउडर, 1 चम्मच गरम मसाला पाउडर, 1 चम्मच लाल मिर्च पाउडर और 1 चम्मच धनिया पाउडर। इन मसालों को डाल के अच्छे से मिक्स कर लीजिए। अब जो हमने पहले मैरिनेट किया हुआ चिकन था उसमें सेकंड मैरिनेट जो मिक्स किया था उसका जो मसाला बचा था वो भी हम इसमें डाल देंगे और थोड़ा सा पानी डाल के इसे अच्छे से मिक्स कर देंगे। जब मसालों की अच्छी सी खुशबू आ जाएगी और आप देख सकते हो कि तेल जो है वो साइड से अलग हो रहा है, तब आप समझ लो कि आपका जो मसाला है वो अच्छे से पक चुका है। और इस समय आप 2 चम्मच बटर डालोगे और साथ ही साथ हम इसमें थोड़ा सा बरिस्ता डालेंगे और धनिया और मिंट लीव्स जो पुदीना के पत्ते हैं उसे हाथ से तोड़ के डालेंगे और अच्छे से इसे मिक्स कर देंगे। अब यहाँ पे मैंने 2 फूड कलर्स लाल और येलो दोनों को अच्छे से दूध में मिक्स करके रख दिया है और यहाँ पे आप देख सकते हो थोड़ा सा मैंने मेल्टेड बटर भी लिया है। अब हम बिरयानी के चावल बनाएंगे तो उसके लिए यहाँ पर मैंने 2 तेज पत्ते लिए हैं, 1 चम्मच शाही जीरा, 2 बड़ी इलायची, तकरीबन 4 से 5 हरी इलायची, 1 इंच के आसपास 2 टुकड़े दालचीनी के, 4 लवंग और 1 स्टार अनीस जिसे हम चक्रफूल कहते हैं। अभी आप एक बड़ा सा बर्तन ले लीजिए और उसमें पानी डाल दीजिएगा। ये जो सारे खड़े मसाले हैं वो सब हम इस बर्तन में डाल देंगे। अब हम इसमें चावल डालेंगे। यहाँ पे मैंने 1 किलो बासमती चावल लिया है, इसे मैंने आधे घंटे के लिए पानी में सोख करके रखा था। तो आपको चावल डालने से पहले तकरीबन आधे घंटे के लिए चावल को पानी में भिगो के रखना होगा। अब हम इसमें स्लाइस किए हुए नींबू डालेंगे, स्वाद अनुसार नमक, 1 बड़ा चम्मच तेल डालेंगे और इसे अच्छे से मिक्स करेंगे। अब राइस में जब थोड़ा सा उबाल आ जाए तो ये जो ग्रेवी है हमने बना के रखी थी पहले, तो इसमें हम ये राइस का पानी थोड़ा सा डाल देंगे और इसे अच्छे से मिक्स करेंगे। अब आप देख सकते हो राइस जो है ये हमारा 80% तक कुक हो चुका है, तो अब हम इसे छान के अलग से रख देंगे। अब बिरयानी की जो ग्रेवी बनाई थी उसमें हम ये चिकन पीसेस रख देंगे और उसके ऊपर हम ऐसे चावल डाल देंगे। तो हम इसे लेयर्स में बनाने वाले हैं। तो पहला लेयर आप जैसे ही सफ़ेद चावल डालोगे उसके बाद हम इसमें बरिस्ता डालेंगे, फिर हम इसमें मिर्ची जो हमने स्लिट करके रखी थी वो डालेंगे, उसके बाद हम इसमें कोरिएंडर और मिंट यानी कि हरा धनिया और चौंक पुदीने के पत्ते डालेंगे। अब हम इसमें बटर डालेंगे और बटर डालने के बाद हम इसमें कलर्स डालेंगे, फूड कलर जो येलो कलर है या रेड कलर जो भी आपके पास अवेलेबल है। बटर डालने के बाद हम इसमें येलो और रेड फूड कलर डालेंगे। अब इसमें फिर से चिकन के पीसेस रखेंगे और ये सारा प्रोसेस फिर से रिपीट करेंगे।
अभी मैं आपसे टिप्स शेयर करूंगी। तो अगर आपके पास फूड कलर नहीं है या तो फिर आप फूड कलर को अवॉइड करना चाहते हो तो वो भी आप कर सकते हो। फूड कलर के जगह पे आपके पास हल्दी तो होगी, तो दूध में, गर्म दूध में आप हल्दी को मिक्स करके रख दीजिएगा थोड़ी देर के लिए, तो आप फूड कलर की जगह पे ये हल्दी वाला दूध भी डाल सकते हो, कलर वैसे ही येलो आएगा। आप येलो फूड कलर की जगह पे ये हल्दी वाला दूध भी डाल सकते हो और आपके बिरयानी में वैसे ही येलो कलर आएगा जो बहुत ही खूबसूरत दिखेगा। और सेकेंड टिप ये है गाइस कि आप जब राइस, बिरयानी का जो राइस है उसे पकाते हो तो उसे आपको पूरा 100% नहीं पकाना है, उसे आपको सिर्फ 80% तक ही पकाना है, क्योंकि जो बाकी का 20% है वो हम बाद में पकाएंगे। जैसे हम बिरयानी को दम पे रखते हैं तो आपको उसे तवे पे रखना होगा, तो स्लो गैस पे, धीमी आंच पे आपको उसे पकाना है। तो स्लो एंड स्टेडी, आराम से ये बिरयानी पकेगी। तो अब इस चिकन टिक्का बिरयानी को हम दम पे पकाने वाले हैं, तो 10 मिनट के लिए आप ऐसे ही तेज़ आंच पे बिरयानी को पकाइए। उसके बाद 10 मिनट होते ही आप तवे को नीचे ऐसे प्लेस कर दीजिएगा जैसे आप वीडियो में देख सकते हो, और उसके ऊपर जो आपका वेसल है या जो हांडी है उसे इस तवे के ऊपर रख के 25 से 30 मिनट तक धीमी आंच पे पकाइएगा। अगर आप उसे 80% तक, एग्जैक्टली 70-80% पकाते हो तो आपकी बिरयानी जो है वो ऐसे ही खिली खिले चावलों से बिरयानी बनेगी। और आप अगर ये टिप्स और ट्रिक्स फॉलो करोगे तो आपकी बिरयानी ज़रूर, आपकी बिरयानी ऐसी ही बनेगी। और 25 से 30 मिनट के बाद ये देखिए, आपको ये लाजवाब रिज़ल्ट मिलेगा। आप बिरयानी देख सकते हो, बहुत ही खुशबूदार बिरयानी, और इसके चावल आप देख सकते हो कितने खिले खिले चावल हैं। तो मैंने आपसे सारी रेसिपी शेयर की है, और अगर आप इस वीडियो को देखकर सेम ऐसे ही रेसिपी फॉलो करते हो तो आप जब बिरयानी बनाओगे तो आप बिल्कुल ही निराश नहीं होंगे, क्योंकि आपकी बिरयानी के जो चावल हैं वो भी ऐसे ही खिले खिले बनेंगे। तो गाइस, आपको अगर रेसिपी पसंद आ रही हो तो लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। ये लीजिए, मैं आपको चावल को मिक्स करके भी बता देती हूँ। और ये देखिए, चिकन का जो पीस है, लेग पीस है, वो आप देख सकते हो कितना सॉफ्ट है, कितने अच्छे से पका हुआ है। तो ऑर्डर ज़रूर कीजिएगा, आप सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा मेरे चैनल को। आपको अगर ये पूरी रेसिपी, चिकन टिक्का बिरयानी की रेसिपी अगर पसंद आई हो तो आप अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ मेरे इस वीडियो को और मेरे पहले के सारे व्लॉग्स को शेयर ज़रूर कीजिएगा। और मैं आपसे मिलती हूँ अगले व्लॉग में, अगले वीडियो में, ऐसे ही एक बेहतरीन वीडियो, एक बेहतरीन रेसिपी के साथ। तब तक के लिए गुड बाय। तो फ्रेंड्स, अगर आप फूड वेंचर फोक्स चैनल के फर्स्ट टाइम व्यूअर हो तो वीडियो सेक्शन में जाकर
ट्रिची, वेलंकनी, पौंडीचेरी और चेन्नई के ये सारे वीडियोस आसानी से देख सकते हो। इसमें मैंने पूरे तमिलनाडु की जर्नी कवर करी है, तो इस वीडियो को ख़त्म करते ही इन वीडियोस को ज़रूर देखिए।